तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पे हम आप लोग को केमिस्ट्री के वीडियोज दे रहे हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। इलेवंथ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो कुछ लेसन आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए हैं और बाकी के लेसन आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। हम लोगों ने कुछ पिछले लेक्चर से शुरू किया है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, सही है, जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिरकार बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सही है, और इनके फॉर्मेशन के पीछे कितनी अलग अलग थियरीज है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बच्चों हम लोग इस लेक्चर के अंदर इस लेसन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा। सही बात है, ठीक है। और आप लोग के लिए बच्चों बायोलॉजी के वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, काफ़ी सारे वीडियोस, कुछ कुछ लेसन बाकी है बायोलॉजी के, तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगे आने वाले दिनों में, सही है। साथ ही साथ फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है, तो ज़रूर से आप लोग इन वीडियोस को भी चेकआउट करिए। केमिस्ट्री आप लोग को मिल रहा है, बायोलॉजी आप लोग को मिल जाएगा, तो अपने पढ़ाई को कभी भी रोकना नहीं है, ठीक है। अपने पढ़ाई को चौथे गियर में रखिए, पाँचवें गियर में रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। सो केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैं आप लोग को बनाऊंगा ही, बायोलॉजी के भी बना रहा हूँ, सही है, बायोलॉजी के भी बनाने वाला हूँ आगे चल के। फिजिक्स आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आप लोग को इलेवंथ फिजिक्स, इलेवंथ मैथ्स, इलेवंथ बायोलॉजी, इलेवंथ केमिस्ट्री सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट वाइज पढ़िए, लेक्चर लेक्चर वाइज पढ़िए, ठीक है, एक के बाद एक लेक्चर पढ़िए, बीच में डायरेक्टली कोई भी लेक्चर पर अगर आप जंप करोगे तो शायद आपको वो चीज़ बेटर तरीके से ना समझ में आए, अगर आपने पहले से देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, इसका मतलब इसमें भी और 4 लेक्चर अवेलेबल हैं इसके पहले भी, तो जिस भी बच्चे ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं ज़रूर से जाके देखेंगे, डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप नहीं करेंगे, और अगर आपने पहले के लेक्चर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्टेट रूल मैंने आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस लेक्चर में भी दूंगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, सही है, और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों लिमिटेशन की, कि ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑक्टेट रूल नहीं समझा पा रहा, सही है, तो उन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। मैं ये ट्राई करूंगा इस वीडियो में कि आप लोग को हर एक चीज एकदम बेटर तरीके से समझा सकूं, सही है, और इस वीडियो को भी मैं छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का जो कीमती समय है वो भी ज्यादा लगे ना, सही बात है, ठीक है। एक और बात आप लोगों को बता दूं बच्चों कि अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है बच्चों, इस इंस्टा आईडी पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग के लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलेंगी, सही है, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, चलो आ जाओ बातें करना शुरू करते हैं, चलो आ जाओ भाई। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार ऑक्टेट रूल है क्या। देखो ऑक्टेट रूल पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि ऑक्टेट रूल है क्या। देखो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड है, दुनिया में जितने भी कंपाउंड है वो सब कुछ मॉलिक्यूल, इस जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब कुछ कंपाउंड इसीलिए फॉर्म करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बच्चों स्टेबिलिटी। इस दुनिया में सबको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, आपको भी चाहिए ना कि यार मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं अच्छा खासा कमा सकूँ, अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ, ठीक है, अपनी मेरी फैमिली अच्छे से रहे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, मतलब मैं स्टेबल रहूँ। हर इंसान का सपना नहीं होता कि नहीं भाई मैं एकदम 500 करोड़ 600 करोड़ 1500 करोड़ कमा लूंगा, ऐसा नहीं, हर इंसान का नहीं होता, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ बढ़ते हैं आगे, बहुत अच्छी बात है, पर नॉर्मली एक इंसान यह क्या सोचता है कि यार मेरी ज़िंदगी स्टेबल रहे, मैं इतना आराम से जॉब करके कमा लूँ जितना मैं अपनी घर वालों को आराम से सुख दे सकूँ, सही बात है, मतलब मेरे घर में किसी कमी ना हो, कहने का मतलब ये है। तो मतलब एवरीथिंग नीड स्टेबिलिटी, सबको क्या चाहिए भैया कि मैं स्टेबल रहूँ। इसी तरीके से हमारे कंपाउंड भी है, हमारे कंपाउंड क्या चाहते हैं कि भैया हम स्टेबल रहें, जितने एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, सही है। तो चाहे आपका कोई भी एटम हो, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, चाहे आपका हीलियम हो, चाहे आपका लिथियम हो, कोई भी एटम हो बच्चों इस दुनिया में, सब क्या चाहते हैं कि भैया हमें रहनी है स्टेबिलिटी, और यही स्टेबिलिटी की वजह से, इसी स्टेबिलिटी की वजह से बच्चों एटम्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एटम्स क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखो कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है, सही है। तो कई सारे अलग अलग एटम्स हैं,
जब वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड बनाने का जो मेन काम है, जो मेन रीजन है, जो मेन एम है, दैट इज नथिंग बट अवर स्टेबिलिटी, ताकि कंपाउंड स्टेबल हो सके। अब ये स्टेबल डिफाइन कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए कि नहीं ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, ये वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये कैसे डिफाइन किया जाए? तो इसको डिफाइन करने के लिए एक हमारे पास लॉ था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टेट रूल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो भी एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो भी एटम बच्चों अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अगर रख लेगा, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वो कंपाउंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ में आ रही बात? आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये है आपका सोडियम, ठीक है, अब सोडियम Na, सोडियम को बोलते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर मैं इसका एटम ड्रॉ करूँ तो कैसा हो जाएगा, मान लो ये बीच में इसका प्रोटॉन, मतलब कह सकते हो आप न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके आजू बाजू क्या होते हैं बच्चों, आपके सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जैसे मान लो सबसे पहला शेल है, तो सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहला शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। फिर जो दूसरा शेल होगा, ये आठवां, आठ कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट वाला शेल है वो क्या है बच्चों, आपका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कि जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है किसी भी एटम की, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है किसी भी एटम की, दैट ऑर्बिट इज नथिंग बट योर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, दैट ऑर्बिट इज नथिंग बट अवर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, अगर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसका मतलब वो कंपाउंड, वो समझ रहे हो, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल। बात समझ में आई, बात समझ में आई? तो स्टेबल कौन होगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस नाइट्रोजन को ध्यान से, नाइट्रोजन नहीं, अगर इस सोडियम को ध्यान से देखो, तो भाई सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास दो तरीके हैं, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है बच्चों। एक तरीका क्या है, कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट कर दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल गया तो ये शेल हट जाएगी ऊपर वाली, उस टाइम पे फिर आउटर मोस्ट शेल कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी अंदर वाली, और इस अंदर वाली शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो तब मैं कह सकता हूं कि आपका सोडियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वहीं इसके पास दूसरा तरीका क्या है, कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, क्या करें बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, समझ रहे हो? सो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तब क्या होगा, आज का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, तो आप स्टेबल नहीं हो, आपको स्टेबिलिटी का दरिया नहीं, दर्जा नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये बात कुछ कुछ कंपाउंड के लिए तो सही है, पर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के लिए ये बातें सही नहीं है। और वहीं पे बच्चों बात आती है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की। ठीक है, वहीं से बात शुरू होती है आपकी, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्चुअली ये ऑक्टेट रूल बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बहुत जगहों पर आप ऑक्टेट रूल नहीं लगा सकते, ऐसे बड़े सारे कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों BF3 ये एक कंपाउंड है, जहां पे आपका ये जो B है, B क्या है, B इज नथिंग बट अ बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5, और EZ यानी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होता है, 2 और 3। बात समझ में आ रही है? वहीं आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, सही है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 और 7, सही है, मतलब इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, देखो
एक बी है, बी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सिर्फ मैं अभी सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं और कोई भी ऑर्बिट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रहा हूँ। सपोज दैट ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बात समझ में आ गई? फिर आया बच्चों आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या कहता है कि मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, हाँ 7 हो गया। तो ये फ्लोरीन आके ब्रोमीन, ब्रोमीन को, इसको बोरोन को क्या बोलता है कि भाई एक काम करना, ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस कंडीशन पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। फिर एक और फ्लोरीन आएगा, ये फ्लोरीन इससे भी इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, एक और फ्लोरीन आएगा, ये फ्लोरीन इससे भी इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। मतलब तीन फ्लोरीन आए, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला और तीनों ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर दे। बढ़िया बात है। फ्लोरीन का ये आउटर मोस्ट, सॉरी, बोरॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट था, इसके अंदर भी एक ऑर्बिट है, इसके अंदर भी एक ऑर्बिट है। अब इसके अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसने क्या किया, इन तीनों एटम्स को डोनेट कर दिया, इन तीनों एटम्स को, एटम नहीं सॉरी, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को इसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब ये तो शेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, फिर भी ये स्टेबल है। समझ रहे हो? फिर भी ये क्या है बच्चों? स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे बच्चों कि ये जो कंपाउंड है, जो बोरॉन है आपका, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। समझ लो, क्योंकि ये फिर भी स्टेबल है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। ये हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। डुप्लेट, सही है, डुप्लेट। लेकिन डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल में नहीं आता। डुप्लेट रूल मतलब क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना। दिस इज द वन एग्जाम्पल। सही है। अब अलग अलग एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अपने फोन में, के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। हो गया ये? कभी लेना है? हो गया? अब तीन अलग अलग छोटे छोटे डिवीजन है, दीज आर द 3 डिवीजन जहां पे आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स जहां पर आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आ जाओ, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सही है, इसमें एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने, एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्पल ले सकते हो BF3 का, जो अभी एग्जाम्पल दिया मैंने सेम। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो BeCl2 का, आप एग्जाम्पल ले सकते हो LiCl का। ठीक है, दीज आर द सम एग्जाम्पल जो आप लोग पढ़ोगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर। नाउ व्हाट इज मीन बाय इनकम्प्लीट ऑक्टेट? ऐसा कंपाउंड जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और वो फिर भी स्टेबल है। वो फिर भी क्या है? स्टेबल है। मतलब 8 से कम है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो किए बिना भी वो क्या है बच्चों? स्टेबल। बात समझ में आ रही? ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें से ये एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, इन दोनों की बात कर लेते हैं। आ जाओ, नाउ लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ BeCl2। अब BeCl2 मतलब क्या? बेरेलियम है आपका। बेरेलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 और 2। सही है। इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये इसका शेल है, 2 शेल होंगे। सही है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में वापस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में वापस 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आते हैं 2 क्लोरीन। भाई साहब, एक क्लोरीन इधर आया, एक क्लोरीन इधर आया। अब हम सबको पता है कि क्लोरीन इज अ हैलोजन। क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन क्या बोलेगा? भाई
क्लोरीन इसको बोलेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर तू मुझको दे दे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस क्लोरीन को, ये क्लोरीन ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, सही बात है। ये क्लोरीन भी जाएगा इसके पास और बोलेगा भाई तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, ये क्लोरीन भी सेटिस्फाइड हो गया। पर अब इसको देखिए जरा, अब जरा इस कंपाउंड को देखिए, इसने अपना ये भी डोनेट कर दिया, ये भी डोनेट किया, मतलब अब ये आउटर मोस्ट शेल रही क्या? नहीं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? ये वाली। और इस आउटर मोस्ट शेल में कितने बच्चों? दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा, इसमें भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है एंड फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल, ठीक है, फिर भी ये कंपाउंड क्या है आपका? स्टेबल कंपाउंड कहलाया जाएगा। इसी तरीके से एक आपका एग्जांपल है LiCl, LiCl यानी आपका लिथियम क्लोराइड, Li एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1। अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों, मतलब इसका दो शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, वही एक क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या बोलेगा? क्लोरीन बोलेगा भाई साहब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो काम करो ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, एक्स्ट्रा तो नहीं मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो क्योंकि आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, मतलब ये शेल अब काउंट नहीं की जाएगी। अब इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी है बच्चों? ये वाली। और इसके आउटर मोस्ट शेल में अब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, सही है। तो मतलब ये जितने भी एग्जांपल मैंने अभी आपको लिए इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है बच्चों, फिर भी ये स्टेबल है, इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जहां पे ऑक्टेट आपका कंप्लीट भी नहीं होता फिर भी आपका कंपाउंड क्या होता है बच्चों? स्टेबल। हो गया, हो गया, चलो आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपांडेड ऑक्टेट, नेक्स्ट इज द एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है आपका सबसे पहला SF6, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका PCl5 और एक एग्जांपल है आपका H2SO4। अब देखो मैं एक एग्जांपल भी समझा दूंगा ना तो आपको चीजें बेटर तरीके समझ में आ जाएंगी, वही चीजें होंगी बाकी सबके अंदर। नाउ इस टॉपिक का नाम क्या है? ध्यान से देखो, इस टॉपिक का नाम है बच्चों एक्सपांडेड ऑक्टेट। मतलब इस टॉपिक के अंदर, मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें जिनमें उनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बॉन्ड बना रहे वो 8 से ज्यादा, फिर भी वो स्टेबल है, मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों SF6 को हम लोग देखते हैं, आ जाओ। सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6, सही है। क्या होता है देखो, कंपाउंड कैसा होता है SF6 कंपाउंड कैसा होता है देखो, यहाँ पे एक S, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ, कुछ ऐसा कंपाउंड है ना, 6 कंपाउंड, तो कुछ ऐसा कंपाउंड होता है और इनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ये तो कॉमन है। अब देखो ये जो कंपाउंड है ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इट मेक? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड मैंने अभी आपको सिखाया है, मतलब पिछले कुछ लेक्चर्स में, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना बच्चों उनके अंदर हम दोनों बॉन्ड को काउंट करते हैं एज अ कंपाउंड। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है, एक आपका कार्बन है, कार्बन क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ रहे हो? कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब आप कार्बन को काउंट करोगे
तो भी आप इन दोनों कंपाउंड को, दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, जब आप हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो भी आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, मतलब ये बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑलवेज शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से बच्चों इस सल्फर को काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जरा देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, दूसरे कलर से बनाते, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12, देख रहे हो, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, 12 बॉन्ड से, 12 बॉन्ड से बच्चों ये क्या है, 12 बॉन्ड से बच्चों ये जुड़ा हुआ है, सही बात है ना, ऐसे ही काउंट करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे। मैंने आपको बताया था इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं पर हाइड्रोजन के दो ही दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ ऑलरेडी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है और हर बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को काउंट करोगे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे पर हैं कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, है कितने बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक्सपांडेड ऑक्टेट है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में प्रेजेंट, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, एंड स्टिल दिस कंपाउंड इज स्टेबल, स्टिल दिस कंपाउंड इज स्टेबल। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये भी आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये भी आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप PCl5 को भी देख सकते हैं, देख लो PCl5, ठीक है, PCl5 को देखो क्या है, पोटेशियम है एक, कितने हैं, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, चार Cl, पांच Cl, सही है, 5 Cl है यहाँ पे। आप काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, मतलब इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये भी 8 से ज्यादा है, हेंस इट शो एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाता है, एंड स्टिल दिस कंपाउंड इज वेरी स्टेबल, समझ रहे हो, ये कंपाउंड आराम से बहुत ज्यादा स्टेबल है, समझ में आई बात, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का और फिर हम लोग बच्चों आगे की तरफ बढ़ेंगे। हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, अगला टॉपिक है ऑड इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं कैसे, सॉरी, तीसरा टॉपिक है हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर जो हमको एग्जांपल लेना है वो लेना है NO2 और NO, ये दो एग्जाम्पल लेने, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड दो एग्जाम्पल लेने बच्चों हम लोग को। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NO की, NO डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके ऊपर एक सेकेंड ना, इसके ऊपर शायद पॉजिटिव चार्ज रहता है, यस यस, तो सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये बॉन्ड कैसे बनता है पता है तुम लोग को, बताता हूँ, चलो ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है पर ये स्टेबल नहीं होता इस कंडीशन में, और यहाँ पे कितने होते बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः, इतने इलेक्ट्रॉन होते। ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज चाहते नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चों अपने लोन पे डोनेट कर देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पे क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, तो एन डबल बॉन्ड एन, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, एक दो तीन, और इसके दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो एक दो और एक दो, दिस इज एनओ, दिस इज एनओ मॉलिक्यूल, सही बात है, ये आपका एनओ मॉलिक्यूल। अब इसमें ऑड नंबर क्यों है, जरा देखो काउंट करो मेरे साथ, काउंट करो नाइट्रोजन को, काउंट करो नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को छोड़ो नाइट्रोजन को काउंट करो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, भैया कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भैया इसको भी गिनेंगे हम लोग, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में भी चारों गिनते,
कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, विच इज एन ऑड नंबर। ऑड है ना यार, 2 सुना है, 8 सुना है, अभी 14 15 भी देखा, लेकिन 7 नंबर बड़े ऑड है। फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है बच्चों, फिर भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, और फिर भी ये क्या है बच्चों? स्टेबल है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और है आपका NO2, कैसा रहता है? एन डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ, सॉरी, के ऊपर एक, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक दो, ऐसा कंपाउंड है। फिर से नाइट्रोजन को गिरा, यह आपका नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन एज अ रेडिकल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अगेन 7 इलेक्ट्रॉन, विच इज एन ऑड नंबर बच्चों, समझ रहे हो? तो ये भी ऑड नंबर है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये भी आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, और फिर भी ये क्या है? स्टेबल। फिर भी ये क्या है बच्चों? स्टेबल है। क्लियर है? क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपका ऑक्टेट रूल है वो कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता कि आखिरकार कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। सही है, अब ये सारी चीजें आपको नहीं लग रही होंगी, पर आगे चल के हम लोग कुछ थियरीज पढ़ने वाले, जैसे VSEPR थियरी हम लोग पढ़ेंगे, MOT हम लोग पढ़ेंगे, VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो ये सारी कुछ थियरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, इस स्टैंडर्ड के लिए। और अगर आपको आगे चलकर केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना है, जैसे BSc करना है या मास्टर्स करना है केमिस्ट्री में, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग करनी है बच्चों, तो ये चीजें आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है, ठीक है। तो हम लोग VBT को, VBT नहीं, VSPR को हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने बनाई है वो चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग।